हेलो, तो कैसे हो आप सभी। तो आ गए हम रिटर्न एक और वीडियो लेके। सोचे थे कि लाइव करेंगे मगर लाइव तो हो नहीं पाई, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलो कोई नहीं, वीडियो देख लो, नेक्स्ट संडे को पक्का लाइव होगी। कस्टम आप लोगों किसी को भी खेलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो कपड़ा देखो कैसा चुरा रहे। देखो, अगर आप लोग का भी मेरे साथ ऐसी गेम खेलना है तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, ज्वाइन कर लो। प्लेन ने उड़ान ले ली है। कोई जॉर्जपुल जा रहा है क्या? हाँ, एक जा रहे हैं और दो तीन और है। बहुत सारे लोग जॉर्जपुल उतर चुके हैं। और इसको देखो, ये किधर जा रहा है भाई? अच्छा, ये जॉर्जपुल में था, पब्लिक देख के डर गया। अबे घटका जा रहा है क्या? जॉर्जपुल में इसकी पब्लिक देख के इसकी फट गई। चलो कोई नहीं, कहाँ पर लड़ाई होगी, यहाँ पर लड़ाई हो सकती है। और किधर कौन उतरा है? पोचिंग की भी गए है, उसकूल भी, रोजक भी, बहुत पब्लिक गई है। यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, बाजू बाजू बिल्डिंग में है। रोजुक में भी बहुत बंदे गए हैं, यहाँ तक के लिपो का भी जा रहे हैं, सेवननी तक जा रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, देखते कौन मार पाएगा। स्पाई ग्रू की वॉल्फ वुल्फ वुल्फ कुछ नहीं सब है। ओ भाई साइको अनुज को देख रहे हो, कहाँ गया घटका? ओ भाई ओपी 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 इन द चैट। विजन ऐसेला पूरा रोजुक लूट के अब पोचिंग की में आ गए। पोचिंग की में एंटर कर रहे हैं, लगता भी पोचिंग की वाले को देख गए फुल। इनके पास बहुत मजबूत लूट है, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट, पूरी जॉर्जपुल की लूट लेके आया है। यहाँ पर पीछे से फायर पड़ते हुए, कुछ भी ड्रॉप पे भी बहुत बंदे गए हैं। बाप रे, ओ भाई क्या ड्रॉप पे क्या होने वाला है अभी। साई को अनुज ने 6 का स्कोप लगा के देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ड्रॉप पे बहुत बंदे, ड्रॉप मिला किस कब तक? साइकोन उसके पास गाड़ी आ रही है। और ये क्या? ओ भाई साइकोन उसने एक को निकाल लिए है, अभी अभी गाड़ी लेके आया था। ओपी ओपी ओपी। और पीछे से पड़ी, कहाँ से पड़ी? ओ भाई स्पाय गुरु ने पीछे से ले लिया। ओपी ओपी थप्पा मारा साइकोन उसको पीछे से। अभी वुल्फ रॉन मेरे को लगता है कि स्पाय गुरु को थप्पा मारने जा रहे। ये क्या, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी घूम रही है, एक के बीच एक दौड़ा रहे, लगता है ड्रॉप लूटने जा रहे हैं। वुल्फ रॉन लूट रहे हैं, स्पाई गुरु के पास अच्छा टाइम है अभी 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 मानने का। यहाँ पर पबजी स्टार भी यहाँ पर बैठा हुआ है। टीपी पबजी स्टार फुल एकदम खुले में है, उसको पीछे से पड़ सकती है, उसको पता नहीं है कि उसको पीछे स्पाई गुरु है। वुल्फ गुरु को पता नहीं है कि स्पाई गुरु भी इधर आया है। मगर स्पाई गुरु को देखो, लूट पहले चाहिए उसको। चलो कोई नहीं, लूटने दो लूटने दो। वुल्फ लॉन यहाँ पर पूरा ड्रॉप लूट के भाग रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर पबजी स्टार ने भी नहीं मार पाया। अब मेरे को लगता है पबजी स्टार को पढ़ने वाली है, पबजी स्टार को ये दे स्पाई गुरु देने वाले हैं। डीपी विद 6x ओपी 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 स्प्रे। स्पाई गुरु ने पीछे से अब तक 2 लोग को थप्पा दे दिया है। अब वुल्फ रॉन को गाड़ी से लिटाए, DP 28 रीलोडिंग कर रहे हैं। बोलो कोई नहीं कोई नहीं, गाड़ी लेके भागेंगे नहीं फैला, इनको लूट चाहिए। और अपार्ट्स में भी लड़ाई हो सकती है। यहाँ पर दो दो बंदे हैं, एक क्रीपी है और एक कौन है सामने, अरे 3 बंदे हैं अपार्ट्स में। अपार्ट्स में भी लड़ाई हो सकती है, 4 बंदे हैं अपार्ट्स में, कुछ भी हो सकता है। स्पाई बलराज उनके पीछे खड़े, क्रीपी को, पता नहीं है कि उनके पीछे एक बंदा खड़ा है। कुछ भी हो नो भाई, नो 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 क्या है ये? स्पाई बलराज इधर खड़े हैं और क्रीपी उनके आगे खड़े हैं। क्रीपी को पता नहीं है कि उनके पीछे एक बंदा खड़ा है। क्या भाई, यहाँ पर मीटअप चालू हो गया। ओह देखो, मीटअप चालू कर दिया है इन्होंने। देखो बहुत बड़ा कैम कर रहे हैं, बहुत कैम कर रहे हैं। क्रीपी को पता ही नहीं है क्या भाई, अब क्या हो रहा है ये?
क्रीपी के जस्ट पीछे बंदा है, कुछ भी हो सकता है। क्रीपी जा रहे हैं, दोनों टीपीपी ले रहे हैं। ओ भाई ओपन द चैट यार, ओपन द चैट। क्या ही कैम किया स्पाय वरराज ने। यहाँ पर नेट देखते हैं इनका ओपी ग्रेनेड रहेगा कि नहीं। ओ भाई ये क्या ही, ओ क्या ही बचा है स्पाय वरराज भी भाई, क्या ही अपने ग्रेनेड से भी मैच हो गया। 1 HP में वो, अभी अगर स्पाई बर्राज रश मारते हैं तो उनके पास बहुत ही अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ 1 HP में तो उन्हें हीलिंग मार ली है, अभी फायदा नहीं स्पाई बर्राज को। दो लोग ने घेर लिया, यहाँ पर लड़ाई हो सकती है। स्पाई बर्राज ने एक टीम वाले को ले लिया है, उसका टीम वाला अभी तक तो खुला घुसेगा। स्पाई बर्राज ने दो लोग को यहाँ पर लिटा दिया है भाई, 3 किलो गए स्पाई बर्राज की ओपी। स्पाई वरराज की 3 किलो गए, मीटअप वाले को भी ले लिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुज्जू अमित और गुज्जू राहुल ये भी एक स्क्वाड के है, तो यहाँ पर तो मीटअप तो होएगा ही, एक स्क्वाड के और मीटअप। अरे मीटअप नहीं है लगता, लड़ाई भी हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं। किलर बाबा के राइट में एक बंदा है, लेफ्ट में एक बंदा है। दीप को मजबूत आला, किलर बाबा डरा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। किलर बाबा को लगता पता नहीं कि उनके पीछे भी एक बंदा है, उनको पीछे से थप्पा देगा 100%। मेरे को तो ऐसे लग रहा है विजन ऐसे लड़ किलर बाबा को पीछे से थप्पा देने ही वाले हैं, बस थोड़ा सी ऊपर है वो। किलर बाबा नीचे कूदते हैं और यहाँ पर विजन ऐसे लड़ने ने जैसा बोला कि थप्पा होने ही वाला है, वैसे ही विजन ऐसे लड़ने सेम टू सेम वही ही किया। दीप भी देख रहे हैं टीपीपी लेके, मगर दीप राइट में देख रहे हैं, बंदा लेफ्ट में है। विजन एसलर ने भी बंदे को देख लिया है, दीप को। दीप ने बस पिक किया, वीएसएस का खाएगा बस। दीप पिक करने से भी डर रहा है, दीप ने पिक कर दिया। ओ भाई दीप की 1 HP है, 1 HP। विजन एसलर ओपी स्प्रे, दीप की 1 HP में 1 HP हीलिंग मार लिया है। स्पाय गुरु के नीचे वुल्फ रॉन है, मगर वो गाड़ी लेके भागे हैं। गुज्जू राहुल की लड़ाई होने हो सकती है यहाँ पर, उनके नीचे ही गाड़ी जस्ट रोका गया है। स्पाय राहुल क्या कर रहे हैं, ओ भाई क्या भाई। चलो वुल्फ रॉन ने भी अच्छा खेल रहे है, बहुत भारी ओपी। यहाँ पर मेरे को लगता है कि दीप की फाइट हो सकती है, दीप की फाइट हो सकती है। वुल्फ रॉन पे दीप रश मार रहे है बिना किसी को देखे। वुल्फ रॉन दीप ने रश मार दिया है, कुछ भी हो सकता है। दीप ने रश मार दिया है वुल्फ रॉन के ऊपर, मेरे को लगता है वुल्फ रॉन मार लेगा उनको, मगर दीप ऊपर सीढ़ी पे आगे नीचे चले गए है। वुल्फ रॉन के पास ग्रोवजा है, तो मेरे को लगता है कि वुल्फ रॉन को मार देंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और दीप खुले में घुस रहे थे और इतने में उनकी क्रेट बन गई। स्पाय वरराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पाय वरराज दे रहे हैं और गुज्जू अमित को आराम से दे सकते हैं। गुज्जू अमित एकदम खुले घास में लेटा है, गुज्जू अमित के भी क्रेट देखने मिलने वाली है। स्पाय बर्राज ओपी, 4 किल ले लिया स्पाय बर्राज ने। विजन एसएलआर की मेरे को लगता है कि यहाँ पर फाइट हो सकती है। विजन एसएलआर के सामने बंदा है वुल्फ रॉन, कुछ भी हो सकता है। विजन एसएलआर रश मार रहे है वुल्फ रॉन के ऊपर, वुल्फ रॉन के पास मगर ग्रोजा है, ऑग भी है उनके पास, ग्रोजा भी ऑग भी है उनके पास, कुछ भी हो सकता है। विजन एसएलआर सोच रहे कि यहाँ पर बम लेते हैं, मगर यहाँ पर नेट सही नहीं है, अगर वो वाली खिड़की से रहता तो सही रहता था, मगर फिर भी वुल्फ रॉन को डैमेज हुआ है। पीछे से बग्गी आ गई तो विजन एसएलआर का थोड़ा माइंड हिल गया, मतलब थोड़ा डर गए है। स्पाय बर्राज, स्पाय गुरु सब इधर ही आ चुके हैं, स्पाय गुरु भाग रहे हैं, 3 बंदे इधर है। स्पाय बर्राज भाग रहे है, स्पाय बर्राज जा रहे, मतलब राउंड मार रहे, देख रहे कितने बंदे है, कुछ भी हो सकता है। वुल्फ रॉन ऊपर बैठे है, विजन एसएलआर नीचे है। स्पाय बर्राज पूरा राउंड मार के देख रहे कि किधर क्या बंदे है। अब पहाड़ पे जाके मेरे को लगता है वहां पर टीपीपी ले गए,
यहाँ पर वुल्फ रॉन बैठा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लड़ाई किसकी देखने मिलेगी? विजन एसलर ऊपर आ गए हैं, किसी ने मॉली निकाला है शायद से, बम निकाला गया है, बहुत एंड टाइम पे बम था, मगर ठीक है फिर भी विजन एसलर ने भागा। वुल्फ रॉन नीचे आ गए है, वुल्फ रॉन बाहर आने ही वाले है। विजन एसलर वाले से अच्छा मौका है, मगर उनके पास हीलिंग थोड़ी कम है। वुल्फ रॉन और विजन एसलर टीपीपी ले रहे है, वुल्फ रॉन रिटर्न ऊपर भाग गए और स्पाइबर राज भी इधर ही है। वुल्फ रॉन रिटर्न ऊपर भाग गए, टीपी भी ले रहे हैं, ग्रोजा भी उनके पास, ऑग भी है, स्पाइबर राज भी पीछे से गाड़ी लेके आ रहे हैं। स्पाइबर राज को पता चल गया कि यहाँ पर बंदे हैं, यहाँ पर वो गाड़ी लेके आ रहा है। अब किसकी लड़ाई होगी मेरे को पता नहीं। स्पाइबर राज अंदर घुस रहे है कि नहीं, स्पाइबर राज को लगता दो बंदे पता चल गए इसके लोग भाग रहे है। विजन एसलर की लड़ाई होने वाली है, यहाँ पर बम तो आया है किधर। स्पाई बर्राच उतर गया है, विजन एसलर को पता नहीं है कि उनके पीछे बंदा है, मगर पता चल गया बंदा है। विजन एसलर दोनों तरफ से फंस गए, एक ऊपर वुल्फ रॉन है और एक पीछे स्पाई बर्राच। विजन एसलर का क्या होगा? पीछे से वुल्फ रॉन आएगा और यहाँ पर लड़ाई हुई तो पीछे से स्पाई बर्राच आ जाएगा। बहुत ही बुरा फंसा है और स्पाइबर वुल्फ रॉन आ गए हैं आगे। स्पाइबर राज भी इधर आ गए हैं, स्पाई गुरु सिर्फ अलग है। स्पाइबर राज के साथ लड़ाई हो रही थी, विजन एसलर नहीं, विजन एसलर को नहीं, बग्गी कौन चला रहे हैं यहाँ पर? वुल्फ रॉन को आप दे सकते हो ये क्या भाई? अच्छा भाग रहे हैं, मेरा ग्लीच हो गया था हल्का। ओके मोली आई, अब स्पाइबर राज और विजन एसलर की लड़ाई होगी। यहाँ पर वुल्फ रॉन और स्पाई गुरु की लड़ाई होगी। विजन एसलर स्प्रे देते हुए, स्पाई बर्राज को फाइट नहीं लेना है। स्पाई बर्राज भाग रहे हैं, विजन एसलर तो सर्कल में जा रहे हैं। स्पाई बर्राज ओपी स्प्रे देते हुए, मगर स्प्रे नहीं लग पाया। सब सर्कल में जा रहे हैं, स्पाई गुरु घर के अंदर बैठे है। स्पाई बर्राज वुल्फ रॉन सब इधर ही आ गए है। इसी कंपाउंड में मैच खत्म होगा। विजन एसलर के पास एकदम अच्छा व्यू है, वो ऊपर से मतलब सब कुछ देख सकते हैं। स्पाई बर्राच और वुल्फ रॉन का यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, देखते हैं इनका नेट ओपी रहता है कि नहीं, इनका नेट ओपी है कि नहीं। नहीं, यहाँ पर लड़ाई हो गई है। विजन एसलर ने स्प्रे दिया स्पाई बर्राच को, उनका लगा स्पाई बर्राच भी वहां से ऊपर से दे सकते हैं आराम से। स्पाइबर राज से दे सकते हैं, स्पाइबर राज की एक एचपी में, ओ भाई एक एचपी स्पाइबर राज की। विजन एसलर का अभी रश मारते हैं तो उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है, विजन एसलर को रश मार देना चाहिए था। स्पाइबर राज ने ओ मॉली फेंक रहे हैं, मॉली ओपी रहेगी मेरे को लग रहा है, मॉली ओपी है, मॉली जाएगी ऊपर। मॉली यहाँ पर स्पाइबर राज नीचे कूद गए है, कुछ भी हो सकता है। स्पाई विजन यहाँ पर देखते हुए स्पाइबर राज की क्रेड मार दिया, जो कि बहुत ही गेम में अच्छा खेल रहे थे, 4 किल मारे थे। विजन एसलर भी बहुत मस्त खेले हैं। अगर विजन एसलर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है, विजन एसलर को पढ़ते हुए, विजन एसलर की एक एचपी भी नहीं बची है, मगर वो ड्रिंक पी ले इसकी वजह से बच गए ओपी। स्पाई गुरु को पता है कि विजन एसलर उधर है, वुल्फ रॉन को पता है कि विजन एसलर उधर है, अगर ये जहाँ से भी निकले वहाँ से उनकी क्रेड है। विजन एसलर की क्रेड बन गई। अब बचा है स्पाई गुरु, और बचा है वुल्फ रॉन। स्पाई गुरु को पता है कि वुल्फ रॉन के सामने स्पाई गुरु को देख सकते हैं, ओपी झाड़ के अंदर छुप के बैठे हैं। बहुत ही मस्त उनका कैंप, बहुत ही अच्छे जगह मिली स्पाई गुरु को भी। वुल्फ रॉन को पता नहीं है कि स्पाई गुरु उधर है, मगर स्पाई गुरु को पता है कि वुल्फ रॉन इधर है। बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने मिलेगा लास्ट सर्कल में, 1v1। पता है स्पाई गुरु एकदम अच्छे से गन वन सब पीछे लेके बैठे एकदम शांति में, मतलब उनके उनको पता नहीं है कि पीछे से सर्कल आ रहा है। उनको ये भी पता चल गया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वुल्फ रॉन ने लगता है उनको देख लिए है। स्पाई गुरु की यहाँ पर क्रेड मेरे को देखने वाली है। ओपी वुल्फ रॉन इन दी चैट, ओपी वुल्फ रॉन। वुल्फ रॉन ने 4 किल के साथ यहाँ पर चिकन ले लिया है, बहुत ही अच्छा खेले वुल्फ रॉन। ओपी वुल्फ रॉन इन दी चैट। तो बस आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं तो आज लाइव करने वाला था तो लाइव का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट संडे तैयार रहना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन करो तो आप लोग भी रूम खेल सकते हो। नेक्स्ट संडे भी लाइव होगा, तो बस लाइव में मिलते हैं, तब तक ले बाय।